आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिजी के कुछ क्वेश्चन। जैसे सबसे पहले हमको एक कंपनी बनानी है और कंपनी का यूज़र नेम जो रखना है वो आई सी एग्ज़ाम और पासवर्ड रखना है 1 2 3 4 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजी में। तो हमने सॉफ्टवेयर खोल लिया। सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए कंपनी में जाएंगे, क्रिएट कंपनी, और कंपनी का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए बिजी टेस्ट। कंट्री में इंडिया ले लेंगे, स्टेट में वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल की कंपनी हमको मेंटेन करनी है। फाइनेंशियल ईयर जो रहेगा वो 1/4/2017, और जो बुक कमेंसिंग फ्रॉम, क्योंकि जीएसटी एक साथ में आया था इसीलिए हम यहाँ पे 1/4 की जगह 1/7/2017 रखेंगे। और यहाँ पे हमको अपनी कंपनी में जीएसटी भी लगाना है इसीलिए इनेबल जीएसटी वैट यस रखेंगे। और यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर भर देंगे जो कि वेस्ट बंगाल का कोड होता है 19, और बाकी पैन नंबर होता है। इस तरह से जीएसटी नंबर हम लोग भर देंगे और डीलर रेगुलर लेंगे। प्रॉफिट को सेव कराएंगे। कंपनी बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। कंपनी बन गई है। कंपनी बनने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे सुपर यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होगा जो कि हम क्वेश्चन के हिसाब से डालेंगे। तो जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि यूज़र नेम जो होना चाहिए आई सी एग्ज़ाम और पासवर्ड 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आई सी एग्ज़ाम और पासवर्ड 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5। कंपनी बन जाने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2017। तो सबसे पहले ये ओपनिंग चढ़ा लेंगे हम लोग। जैसे कैपिटल है 7,30,000, तो कैपिटल की ओपनिंग चढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर अकाउंट ऐड। तो सबसे पहले कैपिटल अंडर जाएगा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ ओपनिंग चढ़ाएंगे हम लोग 7,30,000। नेक्स्ट लेजर है हमारा नेट प्रॉफिट, वो हम अल्टर में जाके चढ़ा लेंगे। उसके नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर जो कि शर्मा ग्रुप है, और ये हमारे क्रेडिटर्स हैं तो इसको डालेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, और इसकी ओपनिंग है 2,20,000। जब भी कोई पार्टी बनाएंगे तो उसका जीएसटीआर नंबर भरना कंपलसरी है, तो यहाँ पे हम लोग इसका जीएसटीआर नंबर भर देते हैं। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसका कुछ बिल नंबर चढ़ा दीजिएगा जैसे PUR/, बाकी और कुछ भरने की ज़रूरत। पार्टी का ओपनिंग चढ़ गया। पार्टी के बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल है 28,500। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, और ये जाएगा करंट लाइबिलिटी में। इसको करंट लाइबिलिटी में डाल देंगे, और इसका ओपनिंग था हमारा 28,500। नेक्स्ट
फर्नीचर 1,05,000 जो कि जाएगा फिक्स एसेट में, और यहाँ पे फर्नीचर का चार्ज पूछेगा तो हम लोग को नहीं डालना है, बस उसका बैलेंस भरेंगे 1,05,000 से। नेक्स्ट हमारा मशीनरी 1,20,000 फिक्स एसेट, 1,20,000। नेक्स्ट हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ये भी अल्ट्रस में जाके हम लोग चढ़ाएंगे। इसके बाद है अग्रवाल एंड कंपनी 60,000। अब ये हमारा संडे डेप्टर है तो इसका बिना जीएसटी या नंबर भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिलहाल अग्रवाल एंड कंपनी का बैलेंस है 60,000, तो यहाँ अगेन इसका जीएसटीआर नंबर आपसे पूछेगा तो रजिस्टर में यहाँ जीएसटीआर नंबर इसका भी भर देंगे। इस तरह से अप टू करके और यहाँ पे इसका कोई बिल नंबर चढ़ा देंगे। नेक्स्ट है हमारा कैश, पेटी कैश। पेटी कैश जाएगा अंडर कैश इन हैंड, और पेटी कैश का हमारा बैलेंस है 20,000। नेक्स्ट हमारा लेजर है कैश के बाद, पेटी कैश हमने चढ़ा लिया, पेटी कैश के बाद है आईडीबीआई बैंक। आईडिया बैंक जाएगा अंडर बैंक अकाउंट में और इसका बैलेंस है 6,50,000। अब हमारे कुछ लेजर है जो हमने अभी तक उसकी ओपनिंग नहीं चढ़ाई है, जैसे नेट प्रॉफिट हो गया, स्टॉक हो गया और कैश हो गया, तो इसकी ओपनिंग चढ़ाने के लिए यहाँ से बाहर निकलेंगे और अकाउंट में ही लिस्ट में जाएंगे और यहाँ सबसे पहले खोजेंगे कैश, और कैश की ओपनिंग है हमारी 55,000, यहाँ चढ़ा देंगे और इसके बाद स्टॉक ढूंढेंगे। स्टॉक की ओपनिंग है हमारी 13,984 और एक प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस है वही प्रॉफिट एंड लॉस में चढ़ाएंगे 45,484। तो यह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वो है हमको आइटम बनाने हैं, स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमको दिख रहा है गोडाउन, तो पहले हम लोग गोडाउन इनेबल करा लेंगे अपने बिजी में। तो गोडाउन इनेबल कराने के लिए हमको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, और इसमें गोडाउन इन्वेंट्री में हमको मिलेगा। तो इन्वेंट्री में बस ये फीचर चेक करेंगे इनेबल मल्टी गोडाउन इन्वेंट्री, इसको यस करा लेंगे और सेव कर देंगे। और सबसे पहले गोडाउन बना लेंगे, तो गोडाउन बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में चले जाएंगे और यहाँ पे हमको मिलेगा मटेरियल सेंटर और यहीं पे हम लोग गोडाउन बनाएंगे। गोडाउन का नाम है हमारा डनलप, और यहाँ कुछ नहीं करना है, बस एंटर करके इसको सेव करा देना है। ये हमारा गोडाउन बन गया। अब हम एक एक करके ये सारे आइटम और उनकी ओपनिंग चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आइटम चढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में आइटम में चले जाएंगे, ऐड करेंगे। पहला आइटम हमारा निहार नेचुरल हेयर ऑयल, अब ध्यान देना है कि आइटम जो जो यूनिट है वो है बॉटल, यहाँ पे जनरल और यहाँ पे यूनिट में एफ3 करके हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक नया यूनिट बना लेते हैं बॉटल, और यहाँ पे कुछ हमसे पूछेगा यूनिक क्वांटिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो बॉटल है, सपोज़ कीजिए हमारा बॉटल मिल गया, बॉटल इसी बॉटल में डाल देंगे सेव। ओपनिंग क्वांटिटी जो है वो है 50, तो यहाँ पे 50 भरेंगे, और जहाँ पे लिखा ओपनिंग स्टॉक वैल्यू तो यहाँ 50 और जो प्राइस है वो है 80, यानी 50 × 80।
यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भरेंगे 4,000, और यहाँ पे इसका जीएसटी रेट भरना हम लोग को जो कि है 18%। तो सबसे पहले यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देंगे, जो एचएसएन कोड यहाँ पे दिया है वही भरना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, एचएसएन कोड हमारा है तो इसी एचएसएन कोड को हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी और कुछ नहीं करना है, F2 करके सेव, और यहाँ गोडाउन डाल देंगे डनलॉप। नेक्स्ट आइटम है हम लोग का सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक शाइन, ये भी बॉटल में ही है हमारा, और इसकी ओपनिंग क्वांटिटी है 48 और प्राइस है 108। तो यहाँ भरेंगे 48 और यहाँ 48 इंटू 108 5184, और यहाँ टैक्स कैटेगरी में यहाँ पे टैक्स का रेट देख लेंगे, इस पर 28% जीएसटी लगना है, तो यहाँ पे जीएसटी 18% ले लेंगे, और यहाँ पे एचएसएन कोड डाल देंगे जिस जो कि है इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इस आइटम को सेव कर देंगे, गोडाउन डाल देंगे डनलॉक। नेक्स्ट आइटम हमारा हिमालय नीम फेस, और इसकी भी यूनिट बॉटल में ही है, तो यहाँ बॉटल ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट ट्यूब है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, F3 करके नया आइटम बना लेते हैं, नया यूनिट ट्यूब, ट्यूब ओपनिंग क्वांटिटी इसकी है 80 और रेट है इसका 60, तो हो जाएगा 4800, और इस पर जीएसटी का जो रेट है वो 18%, और जो इस पर इसका एचएसएन कोड है वो हम लोग कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे फिलहाल। F2 करके सेव कराएंगे और इसको डनलॉक गोडाउन में रख देंगे। ये हमारा चल गया स्टॉक आइटम। क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी पे 15,000 एज स्टेशनरी एक्सपेंस बाय कैश, और यहाँ पे हम देख रहे हैं स्टेशनरी के कुछ सेंटर्स भी हैं, तो सबसे पहले हमको कॉस्ट सेंटर एलेबल कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे, और अकाउंट में जाके यहाँ पे कॉस्ट सेंटर का एक फीचर मिलेगा, इसको यस करा लेंगे और सेव कर लेंगे। और सबसे पहले कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए अब हमको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर्स में, और यहाँ हमको मिलेगा कॉस्ट सेंटर। अब यहाँ कॉस्ट सेंटर बनाना हमको A4 पेन, माउस पैड और पेंसिल, तो पहले A4, फिर माउस, माउस पैड है, पेन और पेंसिल है, तो एक बनाएंगे पेन और एक पेंसिल, तो ये हमारा बन गया कॉस्ट सेंटर। पेमेंट में एंट्री जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे पेमेंट में, और यहाँ डेट डालेंगे, तो ये ट्रांजेक्शन हुई है 1/7/2017 को, 1/7/2017, और ये नॉन जीएसटी की ट्रांजेक्शन है, यहाँ एस दबाएंगे। स्टेशनरी अगर मिल गया तो ठीक, नहीं तो F3 करके नया लेजर बनाते हैं, और ये हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, इसको डालेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन पूछेगा कॉस्ट सेंटर, तो इसको यस करा लेंगे।
अब स्टेशनरी हमारा जो टोटल खर्चा हुआ है वो है 15,000, तो यहाँ भरेंगे डेबिट करेंगे 15,000 से और क्रेडिट करेंगे कैश। और जब हम इस वाउचर को सेव करेंगे तभी हमसे कॉल सेंटर के बारे में पूछेगा, तो हमको ये सारे भरना है A4 3,000, तो यहाँ A4 3,000। इसके बाद हमारा पेन है जो कि है 5,250, उसके बाद माउस पैड 3,000 और लास्ट में पेंसिल 3,750। नेक्स्ट, कंपनी पेड द आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल बाय चेक नंबर। तो कंपनी टेलीफोन बिल एक्सपेंस पेड कर रही है चेक से, तो एंट्री पेमेंट में जाएगी। पेमेंट में हम लोग ऑलरेडी हैं, डेट देख लेंगे एक बार। तो डेट है 3/7/2017 और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल जो कि हमने ओपनिंग चढ़ाई थी, तो ओपनिंग 28,500 बकाया है। नीचे करंट बैलेंस हमको दिख रहा है 28,500, इसी को पेमेंट कर देना है। और हमारा जो चेक से पेमेंट करना है तो हमारा बैंक जो है IDBI बैंक में अकाउंट है, इसी अकाउंट से हम पेमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी सोल्ड द बिलो आइटम टू न्यू वैरायटी स्टोर्स। तो अगली एंट्री हमको करनी है सेल के लिए, सीधा सेल में चलते हैं और डेट देख लेते हैं किस डेट में एंट्री होनी। तो डेट 5/7 को होनी एंट्री, 5/7। और यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल नंबर हमको डालना है, और यहाँ बिल नंबर पे कर्सर अगर नहीं आ रहा है तो हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, और सेल बिल पे हमारा बिल नंबर नहीं आ रहा था, तो ये जो सेल की ट्रांजेक्शन है, ये जो प्लस का बटन है इसी पे क्लिक करेंगे और मेन पे क्लिक करेंगे, वाउचर नंबरिंग में जाएंगे और इसको मैनुअल पे सेट कर देंगे, तो हमारा वाउचर शुरू कर देंगे। अगेन ट्रांजेक्शन में चलते हैं, सेल का वाउचर, और ये जो हमारी ट्रांजेक्शन हो रही है वो 5/7 को होनी है। वाउचर नंबर पूछ रहा है, वाउचर नंबर में हम लोग ये बिल नंबर भरेंगे, INV जो भी बिल नंबर है, और सेल टाइप। अब ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है 18% GST दोनों ही आइटम पे लगना है, तो हम लोग यहाँ पे जो सेल टाइप लेंगे वो CGST SGST लगाना है, लेकिन लोकल GST का केस है तो लोकल GST 18% ले लेंगे। पार्टी जो है न्यू वैरायटी स्टोर्स, तो यहाँ F3 करके ये पार्टी बनाएंगे। ये हमारा संडे डेप्टर हो जाएगा, कॉल सेंटर का कोई काम है नहीं, इसका GST नंबर भर देंगे। GST नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्टी का, यही GST नंबर हमको वहाँ पे भर देना है। मेटल सेंटर, हमको सामान डनलॉक गोडाउन में रखा है हमने, वहीं से बेचेंगे। तो निहार नेचुरल हेयर और हिमालय बेचना है, तो निहार पहले ले लेंगे। क्वांटिटी 25 बॉटल बेचनी है 95 के रेट से, 95 के रेट से। और दूसरा आइटम हमको बेचना है हिमालय, ये हमको बेचना है 20 पीस 75 के रेट से, 75, और इस पर हम CGST और SGST चार्ज कर देंगे। ये हो गया CGST और ये हो गया SGST। कॉल सेंटर से कोई मतलब है नहीं, न्यू रेफरेंस लेके इस बिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कंपनी गॉट ए कमीशन बिल फ्रॉम गुप्ता ब्रदर ऑफ ₹1,90,000 ऑन द सेम डे। कंपनी पेड द फुल अमाउंट थ्रू चेक नंबर ना आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो ये TDS का केस है, तो TDS का केस लगाने के लिए सबसे पहला काम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन में, और यहाँ TDS इनेबल करा लेंगे। TDS इनेबल कराने के लिए सबसे पहला ये फीचर इनेबल TDS रिपोर्टिंग, इसको यस कराएंगे। और क्वेश्चन में ऊपर कंपनी का 10 नंबर दिया होगा, पेन नंबर, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर वहाँ पे हमको भर देना है। ये कंपनी का 10 नंबर है,
के यहाँ क्रिएट डिफॉल्ट टीडीएस करके एंटर का स्पेस प्रेस करना है और सेव। टीडीएस सेव करने के बाद क्वेश्चन में हमको बस ये ध्यान देना है कि टीडीएस किस चीज़ पे कटा है। तो टीडीएस कटा है कमीशन पे, पार्टी का नाम है गुप्ता ब्रदर्स, बस इसी दो इन्फॉर्मेशन से हमको मतलब होता है। तो कमीशन पे हमको टीडीएस काटना है, ट्रांजेक्शन में जाएंगे और टीडीएस डिडक्ट करने की एंट्री जनरल में पास करेंगे। डेट 9/7 डेबिट करेंगे कमीशन को, कमीशन का लेजर अगर नहीं बना है तो F3 करके नया बना लेंगे। कमीशन कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है तो डालेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। अब यहाँ पे बिजी पूछेगा कि क्या इस कमीशन पे टीडीएस काटना है, तो बिल्कुल काटना है यस। और टीडीएस कैटेगरी कमीशन और ब्रोकरेज, कॉस्ट सेंटर नो। कमीशन पे जो पैसा एक्सपेंस खर्चा हुआ 1,90,000, और पार्टी है हमारी गुप्ता ब्रदर्स, तो F3 करके गुप्ता ब्रदर बना लेंगे। ये हमारा समरी क्रिएटर हो जाएगा। टीडीएस काटना है तो बिल्कुल काटना है। अब गुप्ता ब्रदर्स ये पार्टनरशिप फर्म है, क्योंकि बिजी में पार्टी का पेन नंबर दिया है लेकिन बिना GSTN नंबर के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो भर देते हैं इसका एक GSTN नंबर। और कंपनी का पेन नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे इसका पेन नंबर भर देते हैं, क्योंकि अगर पेन नंबर अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो वो 20% से TDS काट लेगा, तो इसलिए पेन नंबर डालना, अगर पेन नंबर क्वेश्चन में दिया है तो उसको डालना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यहाँ कंपनी का पेन नंबर भरेंगे, तो जैसे आगे बढ़ेंगे ये विंडो आ जाएगी कि इस पर TDS कटना है, तो आपको बस यस करा देना है उसको। ओके, तो ये TDS कट गया। TDS कटने के बाद गुप्ता ब्रदर को हमको 1,80,500 रुपया देना है। यहाँ पे टी प्रेस करेंगे और TDS एंड कमीशन जो लेजर देखा इसी में देंगे। यहाँ पे हमको कोई भी रेफरेंस डालना है, कुछ भी लिख देना है और इसको सेव कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, कंपनी को पेमेंट भी कर देना है चेक से, तो कंपनी है गुप्ता ब्रदर, तो नेक्स्ट एंट्री पेमेंट में कर देंगे हम लोग। तारीख वही रहेगी, ऑन द सेम डे लिखा है, यानी 9/7 में ही हमको पेमेंट कर देनी है पार्टी को, गुप्ता ब्रदर को। तो गुप्ता ब्रदर का नीचे करंट बैलेंस हमको दिख रहा है, ये पूरा पैसा उठा के इसको पेमेंट कर देना है, यानी 1,80,500 IDBI बैंक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी परचेज द फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम फैशन हाउस, GST लगना है इस पर, और सीधा हम लोग आते हैं ट्रांजेक्शन में परचेज। डेट देख लेते हैं, तो हमको ये जो परचेज करनी है 12/7/2017 में करनी है। वाउचर नंबर दिया हुआ है, यही वाउचर नंबर हम लोग भर देंगे। और परचेज टाइप में टैक्स का रेट देख लेंगे, तो टैक्स का रेट है 18%, तो यहाँ पे लोकल 18% ले लेंगे। पार्टी फैशन हाउस है, एक नया लेजर बनाएंगे फैशन हाउस के नाम से, और ये हमारा फैशन हाउस सेंडरी क्रेडिटर हो जाएगा। TDS इस पर लगाना नहीं है, कॉस्ट सेंटर नहीं लगाना है, और इसका GSTN नंबर दिया हुआ है, उसका GSTN नंबर भर देंगे। सेंटर डनलॉक में ही रखना है, इनपुट गुड सर्विस ले लेंगे यहाँ पे। अब आइटम जो हमको ख़रीदना है वो है निहार नेचुरल, तो यहाँ पे निहार नेचुरल ले लेंगे। क्वांटिटी हमको ख़रीदना है 40 बॉटल 80 के रेट से, तो 40 और यहाँ 80, और इस पर CGST
और SGST चार्ज कर देंगे। ये हमारा परचेज हो गया। परचेज बिल नंबर था हमारा FH/014/1718। कॉल सेंटर कुछ नहीं है, नो रेफरेंस लेके ओके। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी परचेज 15 पीस चेयर एट द रेट 450, 20 पीस टेबल एट द रेट 1570 फ्रॉम फर्नीचर वर्ल्ड अ कंपोजिट डीलर फॉर ऑफिस यूज। तो ये ऑफिस यूज के लिए खरीदा जा रहा है, सिंगल चाहे तो हम इसकी कॉल सेंटर भी बना सकते हैं, तो कॉल सेंटर बना लेते हैं एक बार। मान लीजिए हमको बनाना है कॉल सेंटर 2 चेयर और टेबल, दूसरा टेबल। ट्रांजैक्शन में चलते हैं जर्नल में, और ये जो परचेज हमको करनी है वो 15/7 में करनी है। यहाँ डेट डाल लेते हैं 15। फर्नीचर खरीद रहे हैं हम लोग, तो फर्नीचर का लेजर बना हुआ है। एक बार इस लेजर को चेक कर लें ज़रा, कॉस्ट सेंटर क्योंकि इसमें हमको यस करवाना है, तो यहाँ पे बस इस कॉस्ट सेंटर जो दिया हुआ है इसी को हमको यस करा लेना है। बाकी फर्नीचर हमने जो टोटल ख़रीदा है 15 चेयर 450 के रेट से, पंद्रह चेयर 450 के रेट से, और 20 पीस टेबल 1570 के रेट से। तो हमारा टोटल हो गया 38,150। दोनों फिगर को हम लोग को जोड़ लेना है। और ये जो फर्नीचर हमने खरीदा है वो फर्नीचर वर्ल्ड से खरीदा है, तो यहाँ पे फर्नीचर वर्ल्ड का एक लेजर बनाएंगे F3 करके, और ये हमारा सेंट्री क्रेडिटर हो जाएगा। TDS नो, कॉस्ट सेंटर नो, यहाँ पे इसका भी कोई बिल नंबर बढ़ा के हम लोग सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी रिसीव 70% ऑफ बिल अमाउंट फ्रॉम न्यू वैरायटी स्टोर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू PNB चेक। तो न्यू वैरायटी स्टोर से हमको पैसा रिसीव करना है, तो रिसिप्ट वाउचर में चले जाएंगे और पैसा मिल रहा है हम लोग को 18/7 में, तो यहाँ 18/7 की डेट डालेंगे। पार्टी का नाम था वैरायटी स्टोर, न्यू वैरायटी स्टोर। तो न्यू वैरायटी स्टोर से करंट बैलेंस दिख रहा है 4,572.50 रुपये, और यहाँ पे जो हमको टोटल पैसा उससे मिलना है 70% फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, तो यहाँ फिलहाल 4,572.50। यहाँ क्योंकि पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है इसलिए पूरा पैसा यहाँ पे भर देंगे। डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा हमको बैंक में मिल रहा है, तो आइडिया बैंक डेबिट करेंगे, लेकिन ये पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, इसका 70% मिल रहा है, तो 70% हम कैलकुलेट करेंगे। तो 4,572 रुपये चार हजार पाँच सौ बहत्तर पॉइंट 50 इंटू हमको निकालना था कितना परसेंट, 70%,
2500 रुपये इसका मतलब हमको रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे 3200 और बाकी का पैसा हमारा डिस्काउंट हो गया। F3 करके एक नया लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड, और ये डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। सेव, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और यहाँ बिल नंबर ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी रेज अ सर्विस बिल ऑफ एडवर्टीजमेंट सर्विस सचेशन कोड इतना ऑफ टू इंट्रा सॉल्यूशन GSTR नंबर ऑफ अमाउंट 85,000 प्लस GST, रिसीव द फुल अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक। तो ये सर्विस का केस है और हमको सर्विस बेचनी है, तो हम इसकी एंट्री सेल में करेंगे। ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सेल, डेट देख लेंगे, तो सेल की जो डेट है वो 20/7, तो 20/7 में एक एंट्री पास करते हैं, बिल नंबर नहीं दिया हुआ है, आगे बढ़ेंगे, कुछ भी बिल नंबर डाल के हम लोग, और जो GST लगना है वो 18% से लगना है। पार्टी जो है हमारी वो है इंफ्रा सॉल्यूशन, तो F3 करके एक नया लेजर बनाते हैं, इंफ्रा सॉल्यूशन हमारा डेप्टर हो जाएगा, क्योंकि हम इनको बेच रहे हैं सर्विस। यहाँ पे इसका GSTIN नंबर भर देंगे, GSTIN नंबर दिया हुआ है इसका, गोडाउन कोई भी ले लेंगे, सर्विस के केस में हमको इससे मतलब नहीं है। नेक्स्ट सर्विस का नाम है एडवर्टीजमेंट, एक नया आइटम बना लेंगे एडवर्टीजमेंट के नाम से, और यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टैक्स कैटेगरी बस ध्यान से लेना, इस पर जो 18% का टैक्स लेना है, तो GST 18%, और इसका HSN कोड दिया हुआ है, तो ये HSN कोड यहाँ पे हमको भर देना है। क्वांटिटी नहीं भरेंगे, सीधा अमाउंट भरेंगे, जो सर्विस बेची गई है वो है 85,000 की, और इसी पे CGST और IGST चार्ज कर देंगे, SGST सॉरी CGST और SGST। कॉस्ट सेंटर नहीं, कुछ भी नो रेफरेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, रिसीव द फुल अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे बाई चेक। तो इस पार्टी से पूरा पैसा रिसीव कर लेते हैं, तो रिसीव करने के लिए रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे, और 20/7 में ही पार्टी का नाम था इंफ्रा, तो यहाँ इंफ्रा सॉल्यूशन लेंगे, नीचे करंट बैलेंस हमको दिख रहा है, ये पूरा पैसा हमको ले लेना है, अपने IDBI बैंक में रिसीव कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कंपनी डिसाइडेड टू क्रिएट अ कॉम्बो पैक ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, 1 बॉटल निहार नेचुरल हेयर और 1 बॉटल सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक। अब कंपनी ने डिसाइड किया एक कॉम्बो पैक बनाने का, तो कॉम्बो पैक बनाने के लिए जो आइटम रिक्वायरमेंट है वो एक कॉम्बो पैक बनाने के लिए 1 बॉटल निहार नेचुरल लगेगा और 1 बॉटल सनसिल्क स्टनिंग ब्लैक लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले फीचर चेक करना होगा हम लोग को कि हमारा फीचर इनेबल है कि नहीं, तो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फीचर ऑप्शन में जाएंगे और इन्वेंट्री में जाएंगे, और यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का एक फीचर होता है उसको यस करा लेना है, तो ये हमारा फीचर ऑलरेडी इनेबल है। सेव करके बाहर निकलेंगे, और सबसे पहले क्योंकि हमने आइटम परचेज करके ऑलरेडी रखे हैं, इसीलिए बनाएंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स में यहाँ पे हमको मिलेगा बिल ऑफ मटेरियल, यही नया बिल ऑफ मटेरियल हम लोग को बनाना है।
बिल ऑफ मटेरियल का नाम कॉम्बो पैक, और जो आइटम प्रोड्यूस होने वाला है उसका नाम भी कॉम्बो पैक ही है। तो F3 करके एक नया आइटम बनाएंगे, कॉम्बो पैक। और कॉम्बो पैक की जो यूनिट रहेगी, पीसेस रहेगी, तो यहाँ पीस ले लेंगे, ओपनिंग स्टॉक वगैरह नहीं। और इस पर जो टैक्स लगना है, टैक्स के बारे में तो कुछ नहीं दिया है, तो सपोज 18% टैक्स लगना, फिलहाल हम लोग GST 18% ले लेते हैं। कोई भी HSN कोड वगैरह डाल देंगे। और क्वांटिटी 1 पीस। अब 1 पीस का कॉम्बो पैक बनाने के लिए हमको जो रिक्वायरमेंट है वो एक बॉटल निहार नेचुरल लगना है, तो यहाँ निहार नेचुरल लेंगे और क्वांटिटी 1। और दूसरा सनसिल्क स्टनिंग, तो यहाँ पे लेंगे सनसिल्क स्टनिंग और 1 बॉटल। तो ये हमारा एक बिल ऑफ मटेरियल या फार्मूला बन गया, इसको सेव करा लेंगे। नेक्स्ट, कंपनी प्रोड्यूस 20 पीस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी प्रोड्यूस 20 पीस कॉम्बो पैक। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सीधे प्रोडक्शन में जाएंगे। डेट डालेंगे, जो डेट मैन्युफैक्चर जो हो रहा है 25/7 में हो रहा है, तो यहाँ डेट डालेंगे 25/7, बिल ऑफ मटेरियल नेम कॉम्बो पैक, और हमको मैन्युफैक्चर करना है 20। जैसे ही 20 डालेंगे उसी हिसाब से यहाँ फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। बस यहाँ पे गोडाउन डालना है, डनलप, दोनों जगह डनलप ले लेंगे और इसको सेव करा देंगे। तो हमारा जो कॉम्बो पैक बना 20 पीस, तो 1 पीस की प्राइस हुई 188 रुपये, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी ट्रांसफर 8 पीस कॉम्बो पैक फ्रॉम डनलप गोडाउन टू न्यू दिल्ली गोडाउन। तो गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए जो वाउचर होता है वो है स्टॉक ट्रांसफ़र। स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है 26/7 में फ्रॉम डनलप टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली गोडाउन बनाना पड़ेगा, F3 करके एक नया गोडाउन बना लेते हैं, न्यू दिल्ली। और 8 पीस कॉम्बो पैक ट्रांसफ़र हो रहा है, तो यहाँ कॉम्बो पैक लेंगे, क्वांटिटी डालेंगे 8 पीस, रेट अपने आप पकड़ लेगा, इसको सेव करा देंगे। ट्रांसफर लास्ट क्वेश्चन है, पे TDS अमाउंट टू गवर्नमेंट। तो TDS की पेमेंट पेमेंट वाउचर में जाएंगे और लास्ट डेट डालते हैं, और TDS हमारा कमीशन पे कटा था, तो TDS ऑन कमीशन लेंगे। नीचे करंट बैलेंस दिख रहा है 9,500, बस इसी की पेमेंट गवर्नमेंट को कर देनी है IDBI से। और यहाँ TDS कैटेगरी कमीशन ब्रोकरेज, और यहाँ जो एक छोटा सा ऑप्शन आता है सिलेक्ट ऑल, इसी में बस चेक मार्क लगाना रहता है। बाकी ये पेमेंट है सेकंड क्वार्टर की, इंटरेस्ट कोई नहीं, पेनल्टी कोई नहीं, चलान नंबर भर दीजिएगा, चेक नंबर जो भी क्वेश्चन में दिया हो, IDBI बैंक। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया।